अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ मुरविश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन के साथ एक पराठा रोल, जिसका नया नाम है जिंगराठा। ये KFC ने इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में। जिंगर की जो चिकन है, क्रिस्पी चिकन, उसको पराठे में रोल करके मज़ेदार सी सॉसेस के साथ सर्व किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मुल्क से इतनी दूर बैठ के इस रेसिपी को रिक्रिएट किया जाए और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ इस रेसिपी को किया जाए शेयर। तो जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें क्रिस्पी चिकन यानी वो जिंगर की चिकन दरकार है। अगर आप चाहें तो रेगुलर जिंगर की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप बिल्कुल वो चिकन बना के भी इसमें डाल सकते हैं। मगर मैंने अभी रिसेंटली जो टेंडर पॉप्स की रेसिपी शेयर की थी और आपसे उस रेसिपी में जिक्र किया था कि इसको इस्तेमाल करके बनाएंगे ये चिकन, तो मैंने बस वही बना के रखी है। मगर किया क्या है कि उसको एक ट्रे में फ्राई करने के बाद इस तरह ट्रे में कुकिंग शीट में रख के उसको ओवन की लोएस्ट सेटिंग में करके ओवन में छोड़ दिया था जब तक तैयार की अपनी बाकी चीज़ें। फिर इस रेसिपी के लिए हमें दरकार है मिंट मेयोनीज। उसके लिए मैंने जो अपनी मिंट की चटनी बनाई है जिसको मैं फ्रीज़ करती हूँ, वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के थॉ कर ली थी और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मेयोनीज। ये चटनी की रेसिपी और उसको फ्रीज़ कैसे करना है वो सब मैं इस रेसिपी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बस मेयोनीज के साथ इसको मिक्स किया और इसको रख दीजिए आप साइड में। अब हम तैयार कर रहे हैं पराठा, और ये पराठा मैं जो क्रिस्को वेजिटेबल शॉर्टनिंग के साथ बनाती हूँ, जिसको मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया, ये मैं उस रेसिपी के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी और पराठे की रेसिपी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो उस रेसिपी को फॉलो करते हुए पराठे कर लिए तैयार और इनको भी रखा साइड में। चिकन को अब ओवन से बाहर निकाल लिया है, पराठे भी ले आए हैं और अब हमें असेंबल करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये पराठे, आप लेयर्स देखिए कि कैसी एक एक लेयर बाकायदा साफ दिख रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे खूबसूरत पराठे बनते हैं। चलिए अब बनाते हैं जिंगराठा। पराठे के ऊपर जो मिंट की जो चटनी की जो मेयो हमने तैयार की है वो लगाने के बाद इसके ऊपर मैं अरेंज कर रही हूँ चिकन के पीसेस। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लच्छेदार प्याज, स्लाइस करी हुई प्याज, और अब थोड़ी सी और चटनी डाल के अब मैं इसको रोल कर लूँगी। और फिर जो पार्चमेंट पेपर या जो बटर पेपर है, उस बटर पेपर में इसको रैप करके इस तरह ये हो गया यह जिंगराठा तैयार। अब जो एक्चुअली जिंगराठा सर्व किया जा रहा है KFC में, उसके अंदर इमली की चटनी भी शामिल की जा रही है। मुझे इस फ्लेवर के साथ इमली की चटनी इतनी अच्छी नहीं लगी तो वो मैंने इसके अंदर नहीं लगाई है, मगर आप चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसी तरह आप गार्लिक मेयो और कुछ और भी इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। इस तरह ये क्रिस्पी चिकन रोल का पराठा हो गया तैयार, जिसका नया नाम है जी जिंगराठा। आपके लिए जो क्रिस्पी चिकन की रेसिपी है, जो चटनी की रेसिपी है और जो पराठे की रेसिपी है, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। और आप अगर इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसे बने। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।